हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट आईडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन करने के बाद ये एरर आ रहा है, जो कि मैं अभी आपको लैपटॉप को ऑन करके दिखाने वाला हूँ, मेरे लैपटॉप में भी सेम ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया, अभी देखिए खुद ही आप लोग ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे HP का कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, देखिए ये मैसेज शो कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाजेंट फाउंड। अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन करने के बाद सेम ऐसे एरर दिखा रहा है तो चिंता मत कीजिए, मैं इस वीडियो में आपको 100% एक ट्रिक्स दिखाऊंगा जिसे अप्लाई करने से आपका ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आप अपने घर में भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए पहले आपको एक बूटेबल पेनड्राइव का जरूरत होगा। तो यहाँ पर मेरे पास बूटेबल पेनड्राइव है, चिंता मत कीजिए, अगर आपको बूटेबल पेनड्राइव नहीं बनाना आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखकर बूटेबल पेनड्राइव बना सकते हो और विंडोज फाइल भी मैं दे दूंगा। तो उसके बाद आपको कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में पेनड्राइव लगा देना है और उसके बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन में प्रेस करने से सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद HP के लैपटॉप में ESC बटन में प्रेस करने से बायोस ओपन होता है। यहाँ पर स्क्रीन में जो की दिया है इसे अप्लाई करने से आपका बायोस ओपन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर HP के लैपटॉप में F9 बटन में प्रेस करने से बायोस ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कीपैड में F9 बटन है इसमें प्रेस कर दे रहा हूँ। जैसे प्रेस किया यहाँ पर देखिए तोशिबा का मेरा पेनड्राइव भी यहाँ पर शो कर गया। तो इसमें लाने के बाद मैं एंटर कर दे रहा हूँ। ये एंटर करने के बाद प्रेस एनी की, आपको कीपैड में एंटर की को दबाना है। देखिए यहाँ पर बूटिंग लेना शुरू हो चुका है लैपटॉप में। तो वीडियो में मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे और कोई सेटिंग नहीं होगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और मैं वीडियो में दिखाऊंगा कैसे ही आपको ये पूरा ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सेटअप स्टार्टिंग आ जाएगा और देखिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम विंडोज़ रीइंस्टॉल करने से सॉल्व हो जाता है। बायोस में सेटिंग करने से अगर नहीं हो रहा है तो विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने से 100% आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो यहाँ पर मेरा बूटेबल पेनड्राइव जो है वो विंडोज़ 10 7 है। तो मैं सिंपली मेरे लैपटॉप को विंडोज़ 10 कर दे रहा हूँ। नीचे विंडोज़ 10 का ऑप्शन है, मैं इसको नीचे लाकर विंडोज़ 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर विंडोज़ 10 में सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट ने क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इनेबल होने के बाद इसमें नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मेरा SSD है, दो ही ड्राइव है। मैं सिंपली इसमें सी ड्राइव में लाने के बाद नीचे फॉर्मेट ऑप्शन में है, इसमें मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके ऑप्शन है, ओके कर देना है। ये करने से आपका सिस्टम का जो ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगा, आपको फॉर्मेट कर देना है। यहाँ पर मैं ऑल फॉर्मेट कर रहा हूँ। नीचे जो डी ड्राइव है इसमें भी लाने के बाद मैं फॉर्मेट में क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे फॉर्मेट में क्लिक करेंगे फिर से ओके कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऑल फॉर्मेट कर दिया है। आपका अगर डी ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट है तो सी ड्राइव करने से ये हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये नोटिस करना है, जब फॉर्मेट करने के बाद आपको सी ड्राइव में लाने के बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद आपको सी ड्राइव में सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ही यहाँ पर फॉर्मेट होना शुरू हो चुका है मेरा लैपटॉप में। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है, यहाँ पर 100% कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्मेट प्रोसेसिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। ये 100% होने के बाद और मैनुअल सेटिंग है जो करने से आपका पूरा प्रोसेस कम्प्लीट होने वाला है और मैं दिखाऊँगा फॉर्मेट होने के बाद ठीक हुआ है कि नहीं, आप देख लीजिए खुद ही। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक टाइमर आएगा जिसमें आपको आपके सिस्टम में जो बूटेबल पेनड्राइव है उसको खोल देना है। तो यहाँ पर मैं पेनड्राइव को खोल दिया। उसके बाद कीपैड में एंटर बटन में प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर बटन में प्रेस करेंगे आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिक ओपन होगा, कीपैड में कोई बटन को प्रेस नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर जस्ट मूवमेंट दिखाएगा, देखिए मैं वीडियो में जैसे दिखा रहा हूँ वैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको येस कर देना है। जैसे येस करेंगे यहाँ पर नीचे देखिए इंग्लिश इंडिया है, इसमें लाने के बाद यस कर देना है। फिर आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ पर नेट कनेक्शन करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव इंटरनेट में क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप में क्लिक कर देना है। नीचे देखिए यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप है, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जस्ट मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस का नाम सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर विंडोज 10 देने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दिखाएगा, अगर आपका सिस्टम में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड दे देना है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं पासवर्ड नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद येस कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कम्प्लीट हो गया आपका जो फॉर्मेट प्रोसेसिंग है।
फिर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा फॉर्मेट का प्रोसेस। देखिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो चुका है। तो वीडियो में पूरा डिटेल्स में दिखाया कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। मैंने यहाँ पर सभी स्टेप अप्लाई करके यहाँ पर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो देखकर आप इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।